एक बार फिर से मैं न्यूज चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि जिले के 210 शिक्षकों को ट्रेंड शिक्षकों में मिला प्रमोशन का लाभ। आखिर किस जिला के खबर है, कौन से शिक्षक है, किसमें प्रमोशन मिला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सरकारी स्कूलों में तैनात जिले के 210 PG और स्नातक ट्रेंड शिक्षकों को प्रमोशन मिल गया है। इन शिक्षकों को अब मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बना दिया गया है। इस आशय का पत्र DO संजय कुमार ने गुरुवार को जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों को उनके ही वेतन मान में प्रधानाध्यापक बनाया गया है। उनकी यह पूर्णकालीन सेवा होगी और प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी शिक्षकों के वरीयता के आधार पर दी गई है। DO ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार शिक्षकों को प्रोन्नति देते हुए तैनाती वाले स्कूल में ही उन्हें प्रधानाध्यापक बना दिया गया है। अगर किसी स्कूल में 2 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग या महिला शिक्षक को उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाया गया है। तो यह खबर भागलपुर जिले की है जिसमें आपको 210 स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। बहुत से शिक्षकों का ऐसा सवाल आता है कि बेसिक ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी से बात हुई है। उनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि इस स्थिति में स्नातक ग्रेड से प्रधान शिक्षक में जब बढ़िए हो जाएंगे तो यह स्नातक का सीट खाली हो जाएगा। तो जो शिक्षक बेसिक के रूप में है उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरह निश्चित रूप से बेसिक से स्नातक ग्रेड में शिक्षकों का प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।